दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास रिपेयर होने को आया है एक माइक्रोटेक का यूपीएस, जिसका मॉडल नंबर है 865-865 EB। इसकी समस्या ये है, जैसे हम इसको मेन 220 देते हैं, मेन लाइन में 220 इसमें इनपुट वोल्ट देते हैं, तुरंत हमारी एमसीबी ट्रिप हो जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएस को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी निगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर यहाँ से मैंने कनेक्ट कर ली है। अभी इसकी हम आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट हमको अच्छे से मिल रहा है, ये अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको 220 सप्लाई इन करेंगे, तुरंत ये हमारी एमसीबी ट्रिप कर देगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये हमारा एमसीबी ट्रिप कर देता है। तो ये रही इसकी मेन वायर 220। अभी हम इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे, तुरंत हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। चलिए, ये मैंने 220 जैसे ही डाली, तुरंत हमारी एमसीबी ट्रिप हो गई, ये हमारा सेट तुरंत ऑफ हो गया। तो दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमारी एमसीबी को ट्रिप करता है। मैं आपको एमसीबी की ओर यहाँ पर डिस्प्ले अपना कर रहा हूँ, अभी आपको चेक कर लीजिएगा किस तरीके से ऑफ होती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, ये देखिए इस तरीके से ये ऑफ हो गई। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से ये हमारा ट्रिक कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी मेन लाइन को चेक कर लें, हो सकता है कहीं जैक से आपके न्यूट्रल और फेस आपस में सटे होंगे, तब भी आपकी एमसीबी इस तरीके से ट्रिप हो सकती है। अगर वो ओके रहते हैं तो यहाँ पे आपका एक लगाया गया है MOV, यहाँ पे एक लगाया गया है जो कि ये सर्किट प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। अगर हमारे वोल्टेज 280 या 300 प्लस हो जाते हैं, इस सिचुएशन में ये हमारा फट जाता है, खुद फट जाता है और हमारी सर्किट सेफ बच जाती है। ये सुकैम में यहाँ फ्यूज होल्डर के पास आपका लगाया जाता है, माइक्रोटेक में यहाँ आपके न्यूट्रल और फेस यहाँ पे आपका कनेक्ट किया जाता है, और ल्यूमिनस में सॉकेट के पास आपको ये देखने को मिल जाएगा। ल्यूमिनस में फ्यूज होल्डर के पास, यानी ये न्यूट्रल फेस में लगाया जाता है, ताकि जब भी हमारे वोल्टेज 300 के आसपास हो तब ये हमारा फट जाता है और हमारी फ्यूज या एमसीबी जो घर में लगी होती हैं वो ट्रिप कर जाती हैं, हमारी आगे की सर्किट सेफ बच जाती है। तो चलिए, इसको पहले रिमूव करके उसके बाद अभी हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने कार्ड को बाहर निकालेंगे, सारे जैक को हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद अभी हम निकालेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे पास दूसरा एक अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा हमारे पास एक है, अभी हम इसको लगाएंगे। अगर आपका ये दिखने में सही लग रहा है और तब भी आपकी मेंस की एमसीबी ट्रिप हो जा रही है, तो आप इसको एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लें, हो सकता है ये अंदर से शॉर्ट हो, कभी कभी ये अंदर से भी शॉर्ट निकल जाता है। तो अभी मैं इसमें दूसरा लगाने वाला हूँ, आप इसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर लगाएँ। निकाल के आपको फेंकना नहीं है, किसी आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप किसी पीसीबी में से निकाल के इसको दूसरा ज़रूर लगाएँ, ताकि आगे जब वोल्टेज हमारा जब कभी भी थोड़ा तेज आ जाए तो हमारी सर्किट पूरी तरीके से सेफ बच जाए। तो मैं अभी आपको ऐड करके उसके बाद चेक करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने अपने मूवी को दूसरा लगा दिया है और कार्ड के सारे जैक को कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से मैंने अपनी निगेटिव पॉजिटिव वायर भी कनेक्ट कर दी है। अभी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए, मैं अभी आपको चेक करवा रहा हूँ। यहाँ से हमारा UPS ऑन हो गया। अब हम 220 की सप्लाई यहाँ पे अपनी इन कर रहे हैं। तो जहाँ पे जैसे ही मैंने सप्लाई इन की, ये हमारा UPS ऑन हो गया है, मेंस ऑन हो गया है, और ये हमारा चार्ज भी करने लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी चार्ज का इंटीग्रेशन हमको मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।